ओटीटी का दायरा इतना बढ़ गया है कि इसने बॉलीवुड और टेलीविजन के सभी स्टार्स को खुद में समेट लिया है, जिसकी ये जीती जागती मिसाल है कि अब ओटीटी अवार्ड्स बड़े ही धूमधाम से होते हैं और इस ग्रैंड अवार्ड सेरेमनी में बड़े से बड़ा स्टार्स नजर आता है। एक ऐसी ही शाम की झलक दिखाते हैं फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स की, जहां ओटीटी के लगभग सभी सितारे नजर आए, वो भी पूरे उत्साह के साथ। सबसे पहले बात करते हैं आलिया भट्ट की, जिन्हें फिल्म डार्लिंग्स के लिए बेस्ट एक्टर वेब ओरिजिनल फिल्म फीमेल का अवार्ड मिला है। और यही नहीं बल्कि शिवाली शाह को भी इसी फिल्म के लिए सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। अवार्ड की शाम हर कोई सज संवर कर रेड कार्पेट की शोभा बढ़ा रहा है। अब बात करते हैं ओटीटी सेंसेशन मनोज बाजपेयी की, जिन्हें Zee5 की फिल्म सिर्फ एक बंदा काफी है के लिए बेस्ट एक्टर वेब ओरिजिनल फिल्म मेल के लिए अवार्ड मिला। इसी कारण तो ये रेड कार्पेट पर अपनी पूरी टीम के साथ नजर आए। वहीं विजय वर्मा को फिल्म दहाड़ के लिए बेस्ट एक्टर ड्रामा क्रिटिक्स के लिए अवार्ड मिला। सिर्फ विजय वर्मा को ही नहीं बल्कि सोनाक्षी सिन्हा को भी दहाड़ के लिए अवार्ड दिया गया है। राजकुमार राव भी रेड कार्पेट पर पहुंचे अपना अवार्ड लेने, क्योंकि इन्हें फिल्म मोनिका ओ माय डार्लिंग के लिए बेस्ट एक्टर वेब ओरिजिनल्स फिल्म क्रिटिक्स मेल अवार्ड मिला। ओटीटी अवार्ड की बात करें तो भला करिश्मा तन्ना को कैसे भूल सकते हैं, जिनकी सीरीज स्कूप ने हर जगह अपने झंडे गाड़े हैं। ऐसे में भला इन्हें इस अवार्ड में कैसे नहीं अवार्ड मिलता। करिश्मा तन्ना को सीरीज स्कूप के लिए बेस्ट एक्टर ड्रामा क्रिटिक्स फीमेल अवार्ड से नवाजा गया, और वहीं स्कूप सीरीज को बेस्ट सीरीज का अवार्ड भी मिला। वरुण सोपती को सीरीज कोहरा के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया। रेड कार्पेट पर बहुत सारे कलाकार नजर आए, जिनमें जिया शंकर, श्रुति हसन, अनुष्का सेन, सोनम कपूर, हलीन सेठी, सौंदर्य शर्मा, राधिका मदान, दिया मिर्जा, मानुषी चिल्लर, कोंकणा सेन, अनुष्का सेन के अलावा और भी कलाकारों ने अपने लुक से रेड कार्पेट का ग्रेज बढ़ाया। तो ये थी फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स की शाम, जहां बहुत सारे सितारे नजर आए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।